Hey, so good morning, everybody. How many of you have the first day today? Raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Or online students, how many of you have first day today? नहीं, hand raise कर दो comment post करने की जगह पर, तो थोड़ा easily पता चल जाएगा मुझे. Galaxy M01 has first day today. यार थोड़ा पापा मम्मी ने यूनिक नाम रखा यार. Galaxy सरनेम M01. साइन इन विथ योर नेम बेटा. तीन लोगों ने हाथ उठाया है. ओके अच्छा है आप आए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा. वी वेलकम यू टू द नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी. और हमने अपनी तारीफ पहले दिन ही कर ली थी बहुत सारी. आप अब आए हैं, डोंट वरी, आप हमारे वो रिकॉर्डेड सेशन देखना तो उसमें आपको हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए सुनाई देंगे. आप ऐसे ही सोचोगे यार हम तो अच्छे ही लोग हैं यार. तो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं द कंपनीज एक्ट 2013. बहुत मेहनत से बनाया है यार सरकार ने ये एक्ट, मैं बता रहा हूं कसम से. जैसे आपका क्या है, आप 4 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, पर भारत सरकार को ये एक्ट बनाने में नहीं नहीं करके 15 साल लगे हैं द कंपनीज एक्ट 2013 बनाने में. इट वॉज ईयर 1998. मैं गया बुकशॉप पे, मैंने बोला कि यार मुझे बेयर एक्ट चाहिए. बेयर एक्ट समझते हो क्या? बेयर एक्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ इन रॉ फॉर्म, वेरी गुड. और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट, बताओ ना क्या बेयर एक्ट क्या होता है? एज इट इज एक्ट, वेरी नाइस. बोलो ना, गलत बोलने पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कीप ऑन स्पीकिंग. हाँ बोलो, और बोलो कुछ और क्या बोले सर, आप बताओ क्या हाल चाल है. नहीं नहीं वैसे नहीं, बट कुछ बताओ. इन ओरिजिनल फॉर्म एज इट इज एक्ट. वैसे तो डिक्शनरी में बेयर देखने जाओगे तो बेयर का मतलब निकलता नंगा. बेयर मतलब जैसा था वैसा का वैसा. बेयर मतलब पीके में आमिर खान जैसा धरती पर आया था, प्लेनेट अर्थ पर. रेडियो नहीं था उसके पास, वो बाद में मिला. हाँ ये पिक्चर ध्यान से देखना चाहिए यार. तो बेयर मतलब जैसा पार्लियामेंट ने पास करा वैसा का वैसा. ना उसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया, ना उसमें एग्जाम्पल एड किए गए, ना उसमें एक्सप्लेनेशन दिए गए. बेयर एक्ट को पढ़ने के लिए ना एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हाई पावर होता है वो, उसको पढ़ने के लिए बहुत दिमाग बिठाना पड़ता है. आप लोगों को जो नोट्स मिलते हैं, जो छपी हुई बुक्स मिलती है, जो स्लाइड्स आप देखते हैं, हम उसको ब्रेक डाउन करके बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं. सबसे पहले लॉ में जो डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है उसको हटा देते हैं बेयर एक्ट से, जब नोट्स बनने की प्रोसेस होती है. जैसे मान लो ये सैनिटाइजर मैं आपको बेचना चाहता हूं, और आपने बोला ठीक है सर 10 रुपए दिए मुझे दे दो, आई डोंट नो कितने का. तो मैंने बोला ओके दिस सैनिटाइजर इज योर्स, ये एक नॉर्मल आदमी कहेगा. लीगल ड्राफ्ट बनाने वाले लोगों को बोलो कि जरा लिखना ये आपका हुआ, वो बोलेगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस गिवन इन एक्सप्लेनेशन 2 टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन नंबर 5 आई तरुण महाजन हियर बाय ट्रांसफर द पोजेशन the ownership, the right to use, the right to rent out, the right to destroy and any other rights attached to this movable property in your favor or your successor or your legal representative or your partner or any other person authorized by you. And once the transfer is made, then me or none of my successors or legal representative or agent or partner or any authorized person will have any claim on this property.
कहना क्या चाहते हो, ये तेरा हुआ। तो सीधे नहीं कह सकते थे, ये लफड़ा है ना यार, लॉ में सीधे नहीं कह सकते, ऐसा बनता है लॉ, बेयर एक्ट ऐसा होता है बेटा। लेकिन जब मेरे नोट्स आते हैं तो फिर उसमें से ये सब चीजें हटा के और एग्जाम्पल ऐड करके केस बना के और आपको दे दिए जाते हैं। तो पहले हम लोग जब पढ़ते थे एज ए स्टूडेंट तो बेयर एक्ट से ही पढ़ते थे, बल्कि मैंने अपने करियर की पहले 6 साल 1999 से 2005 तक 6 तक जितनी बैचेस पढ़ाई उसमें मैं नोट्स देता ही नहीं था, सब बेयर एक्ट खरीद के लाते थे और उसी से हम पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे बच्चों ने बोला सर ये बहुत टफ है नोट्स बनाओ, तो जाके वो सब प्रोग्रेस हुई। हाँ, तो मैं आपको 98 में बेयर एक्ट खरीदने गया तो मुझे शॉप ऑनर ने बोला कि अरे एक नया कंपनीज बिल 1998 पेंडिंग है पार्लियामेंट में, आप लोग ये बदल जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। मैंने बोला नहीं नहीं आप तो दे दो फिर बदल जाएगा, तो मैं फिर खरीद लूंगा। तब ऑनलाइन जैसा पीडीएफ तो कुछ था ही नहीं, तो फिर मैंने खरीद लिया। फिर 98 में वो बिल पास नहीं हो पाया, फिर बाद में नए साल में रीइंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो नहीं पास हो पाया, 2013 में पास हुआ। तो ये एक्ट बनाने में ना बेटा सरकार को बहुत मेहनत लगी, और जब ये बना 2013 में तो उसको अप्लाई करते करते 5 साल लग गए। यूजुअली कोई भी एक्ट क्या होता है, एक डेट देते हैं, ये एक्ट आज से एप्लीकेबल है। ये कंपनीज एक्ट में लिखा है कि इसकी अलग अलग सेक्शन अलग अलग डेट से अप्लाई होना शुरू हुई है। मैंने एक बैच पढ़ाई है जिसमें आधा सिलेबस एज पर कंपनीज एक्ट 1956 था एग्जाम में और आधा एज पर कंपनीज एक्ट 2013 था। 4-5 साल में जाके तो पूरा का पूरा एक्ट अप्लाई हुआ। और ये एक्ट सरकारी ठेकेदार की बनाई हुई एक ऐसी सड़क है जिस पर उद्घाटन के बाद ही गड्ढे हो गए। एक्ट बना और इमीडिएटली सरकार को अमेंडमेंट की जरूरत महसूस हो गई। यूजुअली 10-20 साल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती नहीं एक बार एक्ट बनता, अब से अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट चले जा रहे। थोड़ा सा ये इस एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आजकल तो एमसीए की वेबसाइट पर बेयर एक्ट मिल जाता है, यू आर राइट श्रेया, क्या लिखा है नाम पूरा दिख नहीं, श्रेयांश। तो बेटा हम लोग ने कंपनीज एक्ट पढ़ना चालू किया है, जो आज से आए स्पेशली उनको बता रहा हूं, द कंपनीज एक्ट 2013। सर ये एक्ट क्या करता है, रेगुलेट गेस टू हूम, किसको, कंपनीज को। कंपनीज को क्यों रेगुलेट करता है, धनगढ़ आए क्या कंपनी में, हां या ना, चलो दो ही चॉइसेस है आपके पास, कंपनी में धनगढ़ आए क्या, बोलो हाँ या ना। हाँ, मतलब पता नहीं कितना बोल देता हूं आपको भी नहीं पता है, 250 लाख करोड़ रुपए की कंपनियां हैं हिंदुस्तान में। हाँ है, मुझे पता है, खाली लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़ लो ना तो वही पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच जाता है। तो कंपनियों में वाकई धन गढ़ा है, अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ऐसी बड़ी बड़ी ढेरों सारी कंपनियां हैं, इतना पैसा है तो रेगुलेट तो करना पड़ेगा। सर लोग कंपनी बनाते क्यों हैं, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एंड कॉमन सील, इतनी सारी खासियतें एक ही पैकेज के अंदर मिल जाती है तो लोग बोलते हैं चलो कंपनी बना लो, बहुत मजा आएगा, क्या शानदार फीचर्स हैं। यस, अच्छा वो स्क्रीन रोज ही पूरी नहीं आती है क्योंकि जैसे ही आप iOS से विंडोज पे शिफ्ट होते हो तो अब टाइप्स ऑफ कंपनीज सर मालूम तो पड़ गया। व्हाट इज कंपनी, कंपनी मींस अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। सर बहुत बढ़िया, क्या पढ़ाया आपने, मजा आ गया। आप तो बस ये बता दो आप कंपनी होती कितनी तरह की है। तो ये एक चार्ट है, देखो पहले समझ लो फिर नोट करना। नोट करना मतलब ये कि जो स्लाइड पर दिखेगा वो सब कॉपी में भी होना चाहिए। सर हमको स्लाइड दे दो, वो नहीं मिलेगी। कंपनी दो टाइप की होती है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, घर घर के लोग चला रहे हो तो प्राइवेट, भीड़ इकट्ठी कर ली हो तो पब्लिक। फिर प्राइवेट कंपनी तीन टाइप की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड।
पब्लिक कंपनी भी इसी टाइप की होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। फिर जो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है वो विथ शेयर कैपिटल हो सकती है या विदाउट शेयर कैपिटल। सिमिलरली अनलिस्टेड कंपनी भी विथ शेयर कैपिटल हो सकती है या विदाउट शेयर कैपिटल। एक्चुअली ये तीन क्लासिफिकेशंस को एक चार्ट में कंबाइन कर दिया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट एंड पब्लिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल विद शेयर कैपिटल एंड विदाउट शेयर। पर इनके कॉम्बिनेशन भी तो ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा था ना, तो इनके कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं वो भी मैंने बना दिए, नोट डाउन द चार्ट। कल मैंने तरीका बताया था, पहले टेक्स्ट लिखो, उसके आसपास बॉक्स बना दो, फिर उन बॉक्सेस को लाइन से कनेक्ट कर दो। अगर पॉसिबल हो तो टेक्स्ट अलग कलर से लिखो, बॉक्स अलग कलर से बनाओ, मेक इट ब्यूटिफुल। क्लाइंट आ जाए आपके पास, सर मेरे को कंपनी बनाना है, आप भी ये कैटलॉग खोल के दिखा दो, पसंद कर कौन सी बनाएगा, बहुत वैरायटी अपने पास। पलाश कहता है प्राइवेट में तो शेयर कैपिटल रेस्ट्रिक्टेड होती है। नहीं पलाश, शेयर कैपिटल रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रेस्ट्रिक्शन होता है, पढ़ेंगे। हाँ पर अच्छा लगा मुझे कि आपको कुछ तो याद आया, धुंधला सा ही सही। आप नोटेड बेटा लिख लिया, बट ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी कंपनियां बहुत सारे तरह की होती है। एक होती गवर्नमेंट कंपनी, एक होती होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, और भी टाइप है, अगली स्लाइड पाएंगे, ये तो लिखो। ये सब पढ़े थे आपने फाउंडेशन में, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, एसोसिएट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। कर्तव्य कहते हैं प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है पब्लिक शेयर्स के लिए, अरे वाह कर्तव्य, वेरी गुड। निष्ठा कह रही है कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस द मीनिंग ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं यद्यपि। आप गए मम्मी के पास निष्ठा, मम्मी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूं रात 9 बजे, 12 तक वापस आऊंगी, पापा से पूछ लिया है मैंने, ही सेड ओके,
मम्मी कहेगी नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग सेड बाय योर पापा यू कांट गो. बोला होगा तेरे पापा ने कुछ भी, आई डोंट केयर, मेरी सुन. जिस सेक्शन में नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ आ जाए ना निष्ठा, वो सेक्शन को पावरफुल और बाकियों को पावरलेस कर देता है. नाम लिख लिए, पढ़ेंगे इन सब की डिटेल पढ़ेंगे. हाँ, पर एक आम आदमी के लिए जिस कंपनी में ढंग से काम ही नहीं होता, वो गवर्नमेंट कंपनी, जिस कंपनी के ऑफिस एकदम चकाचक इंटीरियर डिजाइंड हो, वो फॉरेन कंपनी, जो कंट्रोल करे वो होल्डिंग, जो कंट्रोल हो जाए वो सब्सिडरी, जिसमें सब मिला के एक ही आदमी हो वो वन पर्सन, और सब्सिडरी की छोटी बहन एसोसिएट. पढ़ेंगे डिटेल सबकी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम लिख रहे. और लो, स्मॉल कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, निधि कंपनी, छोटी सी कंपनी है, कम सेल है, कम कैपिटल है, स्मॉल. सर हम प्रॉफिट कमाने का नियति नहीं है हमारी, वो कमा लिया अलग बात है, इच्छा तो नहीं थी, नॉट फॉर प्रॉफिट. कंपनी बना ली सर, पर अब काम कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्या बताएं आपको. डॉर्मेंट, इंटर में रजिस्टर हो गए सर, पढ़ाई करते नहीं हम. डॉर्मेंट सर, हम आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं. निधि, और एक क्लासिफिकेशन है, बहुत वैरायटी है कंपनियों की. मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है बिजनेस के हिसाब से. जो कंपनी जनरल इंश्योरेंस करे, लाइफ इंश्योरेंस करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी. जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस करती है, कंपनी है. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस करती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, फायर, मरीन, वो भी क्या है, कंपनी. लेकिन बिजनेस कौन सा करती है, इंश्योरेंस का. तो सर इनका नाम अलग से क्यों बता रहे हो, फिर आप ये भी बोलो ना, सॉफ्टवेयर कंपनी और सीमेंट कंपनी और रियल एस्टेट कंपनी, वो भी बोलो फिर अलग से. यही बोलूंगा मैं अलग से, क्योंकि इनके अलग लॉ भी हैं. अभी कोई इंडिया में इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी एक्ट नहीं है, मगर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट है. ये दो दो लॉ से रेगुलेट होने वाली कंपनियां हो गई. एक कंपनीज एक्ट में, क्योंकि रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, दूसरा आईआरडीए में, क्योंकि बिजनेस इंश्योरेंस का कर रहे हैं. इसलिए बैंकिंग कंपनी, सुना होगा इनका एक्ट का नाम बताओ, कौन सा एक्ट से रेगुलेट होती है, आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. परफेक्ट, वो इनके सिर पर अलग सवार है, बिसाइड्स द कंपनीज एक्ट. इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, प्रोडक्शन एक्ट, बहुत बहुत सारे कानून है यार देश में. मैंने कहा था ना, पूछा था मैंने आपसे, नहीं पूछा, हाँ मैंने बताया था, राइट. भारत कानूनों का देश है, हर बात के लिए कानून पाया जाता है, यू नेम इट दे हैव इट. इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एक्ट, मतलब पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट. बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग एक्ट. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, हर बात का एक्ट है इनके पास. सर हमारी दुकान है, अब बोलो, कोई कंपनी नहीं, हटाओ अलग. पप्पा की दुकान है घर के नीचे, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ऐसे कैसे खोली दुकान. एक्ट है, हर बात का एक्ट है. सर मैं तो नौकरी करता हूं, अब बोलो, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट,
प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मोर, हर बात का एक्ट है इनके पास। सर हमारी बेरोजगार फैमिली है पूरी, अब बोलो। हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर आप हिंदू हैं फॉर एग्जांपल, हर बात का एक्ट है। एंड रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट, कुछ कंपनियां तो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि सरकार ने एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए एक नया कानून ही बना डाला कि तू कहां कंपनी इस एक्ट में रजिस्टर होगी, चल हटा तेरे लिए अलग। अरे आपको इंदौर से बॉम्बे में जाना था, आप ट्रेन के टिकट करवा रहे थे, आपके लिए एक अलग ट्रेन चला दी, बोले तू इससे जा, और एक कदम आगे पटरी नहीं बिछवाई तू, दो बाकी लोगों की पटरी पे नहीं जाएगा। दिस इज लाइक स्पेशल एक्ट कंपनी। ये कंपनी बनानी थी वंस अपॉन ए टाइम इन इंडिया जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करे, तो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया और उसमें सिर्फ एक ही कंपनी रजिस्टर हुई, एक्सक्लूसिव LIC। सर तो इन कंपनियों के बारे में कुछ बोलेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं आपको इस बहाने से थोड़े नोट्स के दर्शन करवाता हूं। नोट्स की फिजिकल कॉपी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो एक एंड्रॉइड ऐप है मेरा, उसका नाम है FM by TM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय तरुण महाजन। FM by TM नाम का एंड्रॉइड ऐप है, जो अमीर लोग हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जिनके पास एप्पल है। उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, OTP नहीं आएगा, बाद में बैकएंड से उसको अप्रूव कर देंगे। यही सारे नोट्स वहां भी मिल जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में, ताकि एट द गो हमेशा आपकी जेब में नोट्स रहे। और कभी मम्मी पकड़ लेगी क्या मोबाइल में दिन भर, तो फटाक से स्क्रीन चेंज करके बताओ देखो पढ़ाई कर रहा हूं, वहां भी काम आएगा। ये देखो नोट्स मैंने ना काफी मेहनत से आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। नोट्स बनाते समय पर बेटा मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं। सर दिख ही नहीं रहा है, हाँ इसीलिए ऐसा ही दिखाया है कि ढंग से ना दिखे अभी। क्या है, नोट्स में मैंने कॉलम डाल दिया है, ये एक कॉलम है, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है, ये देखो आप, ये एक कॉलम है। सर क्यों करा आपने ऐसा? इसको मैंने नाम दिया है मेमोरी हुक्स। क्या नाम दिया मैंने इसको? मेमोरी हुक्स कहा इसको मैंने। क्या होता है यार, लॉ जब पढ़ने जाते हो ना तो लोगों को अक्सर ही लॉ की लैंग्वेज से डर लग जाता है कि अरे यार बहुत ही डिफिकल्ट है, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे अप्रोच करें। तो कोई भी सेक्शन सब सेक्शन के बारे में एकदम देसी लैंग्वेज में बहुत शॉर्ट में इधर साइड में लिख दिया, इसको मैंने बोला मेमोरी हुक। इसको देख लेने से आपको थोड़ा सा उस सेक्शन के बारे में आइडिया हो जाएगा, जैसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, तो LIC होता है, IDFCL होता है, नया वाला UTI है, 1956 वाले एक्ट में जो नोटिफाइड है वो, और इस एक्ट में जो नोटिफाइड है वो। एक बार पढ़ेंगे तो समझ भी आएगा, अभी तो पढ़ा ही नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा ये बात। इसको देखते ही आपको क्या होगा, एकदम से देसी लैंग्वेज में शॉर्ट में मालूम पड़ जाएगा कि यार ये सेक्शन इज अबाउट व्हाट, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा अच्छा ये इतनी आसान सी बात है, इतनी पोकट इतनी अंग्रेजी झाड़ दी इन्होंने, इतनी सी तो बात थी यार, क्या ही करना है इससे। अरे भाई जैसे ऑनलाइन मीटिंग चल रही, किसी ने कुछ बोला आपको सुनाया नहीं, तो उधर से अंग्रेजी झाड़ी किसी ने, आई बैग योर पार्डन सर, वो दूसरे को टेंशन हो रही है, पूछो ये क्या बोला, क्या ये बोला ए अच्छा बोले यूं कर रहा था, ये बेकार बोल रहा है, बैग योर पार्डन सर, सीधे से आपने सुना नहीं समझ में आया तो क्या कर देना चाहिए, ए बात ही खत्म हो जाती है वहां पे। ये मेमोरी हुक वही ए है, इसमें फटाक से एक क्विक आपको सिंपल लैंग्वेज में पता चल जाएगा कि व्हाट दिस सेक्शन इज अबाउट। फिर उसके बाद सेक्शन बनाते समय भी, मतलब सेक्शन को लिखते समय भी मैंने ना कीवर्ड्स को बोल्ड कर दिया है। पहली बार में ये बोल्ड लेटर्स पता नहीं कितने काम आएंगे, लेकिन जैसे रिविजन करने बैठोगे तो ये सब वैल्यू पॉइंट्स की तरह से फटाफट रिविजन में हेल्प करेंगे। LIC,
IDFCL, Notified, RBI, Central Act, State Act, 51%, Relative Definition, Father, Mother, Brother, Sister, ऐसे keywords को bold करा है. आप हाईलाइट करते हो ना पढ़ते पढ़ते, कभी करा है आपने ऐसा हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना? वो हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना भी एक आर्ट है यार. कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, हाइलाइटर पकड़ते हैं, पढ़ जाओ आज तो सब दन 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 दन, पूरा पेज हाईलाइट कर डाला. तो भाई मतलब क्या रह गया इसका? स्ट्रेटेजिकली कुछ कीवर्ड्स हाईलाइट होने चाहिए. तो वैसे ही कुछ कीवर्ड स्ट्रेटेजिकली मैंने यहां पर बोल्ड कर दिए. इस तरह से नोट्स डिजाइंड है, सेक्शन वाइज है. सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 थोड़े बहुत आगे पीछे हैं, बट मोस्टली 1 से लेके 148 तक फ्लो में सारे सेक्शन नोट्स के अंदर चलेंगे. स्लाइड पर जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ रहे हैं. स्लाइड में से जो आप नोट डाउन कर रहे हैं वो वैल्यू पॉइंट है जो आपको रटना है अच्छे से, बट उसको लिखना कैसे जैसा नोट्स में बताया है. सर तो मैंने सुना है एज इट इज लैंग्वेज लिखनी पड़ती है. नहीं, आपने गलत सुना है. मैं कह भी दू ना तुम एज इट इज लिखना, नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके लिए एज इट इज रटना पड़ेगा. इतनी तो आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस ही नहीं है. अपनी लैंग्वेज में लिखो. सॉरी, That's sufficient. चलो थोड़े से नोट्स के दर्शन कराए मैंने आपको. जो भी हम यहां पढ़ रहे हैं डेली साथ में नोट्स से उसको पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि यहां तो सिर्फ की पॉइंट है. फुल लैंग्वेज कहां मिलेगी? नोट्स में. और इंटेंशनली स्लाइड पे मैंने 98% 97% कवर किए हैं पॉइंट. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने स्लाइड पे छोड़ दिए हैं, वो सिर्फ कहां मिलेंगे? नोट्स में. नोट्स नहीं पढ़ोगे चूक जाओगे वो पॉइंट. चलिए हमने एक मिनट, लेट मी चेक, किसी ने कोई डाउट तो पोस्ट नहीं किया है. हाँ सम्यक, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने. अब जो आप अपने नोट्स बनाएंगे ना बेटा, वो कलरफुल बनाना अच्छे सुंदर से, और उसके बाद उसका फोटो खींच के जब 20-25 पेज बन जाए मुझे भेजना, मैं चेक करूंगा. हाँ, अब हम टाइप्स ऑफ कंपनीज तो पढ़ चुके, मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ चुके, अब एक एक करके हम उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी. यार नाम से पता चल रहा है, घर घर के पैसों से जो कंपनी चल रही है उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट. प्राइवेट कंपनी, अगर आपको अपनी कंपनी को कहलवाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. पहली कंडीशन, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल उतनी होनी चाहिए एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ये बहुत लफड़ा है यार, पूरा कंपनी एग्जैक्ट भरा पड़ा है इससे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. सर कहां प्रिस्क्राइब करा इन्होंने? फिर रूल्स में, जैसे द कंपनी एक्ट 2013 बनाया ना, ऐसे रूल्स बनाए. कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रूल्स, कंपनी ऑडिटर एंड ऑडिटिंग रूल्स, कंपनी दिस रूल, कंपनी दैट रूल, 500 रूल बना दिए. हर एक रूल के अंदर 500 पॉइंट है. तो ऐसा क्यों करा कि एक्ट में लिख दिया कि जाओ वहां जाके देखो, वहां जाके बताया, यही बता देते. हाँ हाँ बताओ. देखो इससे दो नुकसान होते, एक्ट बहुत भारी भरकम हो जाता, और दूसरा क्या होता, अमेंडमेंट मुश्किल हो जाते, क्योंकि एक्ट का अमेंडमेंट करने के लिए डिफिकल्ट प्रोसेस है और रूल्स का अमेंडमेंट करने के लिए इजी प्रोसेस है. एक्ट बताता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, रूल्स बताते हैं हाउ टू डू इट, प्रोसीजरल एस्पेक्ट है. चलो सर आप हटाओ. सर आईसीआई का मॉड्यूल, हाँ वो आएगा बेटा. अच्छा उसका क्या करना है? वो बता देता हूं मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपके आसपास में कोई भी एक जनरल स्टोर हो या कपड़े की दुकान हो तो वहां 1 मीटर लाल कपड़ा खरीद के लाएं. लाल कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा सेमी ट्रांसपेरेंट कॉटन, 1 मीटर.
और स्टडी मटेरियल को उसके अंदर अच्छे से लपेटें। कंपनी लॉ वाले की बात कर रहा हूं, बाकी की नहीं। और जहां पूजा घर हो, घर कम घर के अंदर, वहां उसको रखिए। रोज अगरबत्ती लगाना कंपलसरी, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। अभी से बता देता हूं, फिर बाद में मत कहना क्या है बेटा आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि मेरी स्लाइड्स, मेरे नोट्स और मेरी दी हुई चीजों के बियॉन्ड आप कुछ कर पाओ। मैं ऑलरेडी 100% कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके दे रहा हूं, फिर भी आपके पास एक्स्ट्रा ही टाइम है, काटे नहीं कट रहा है, तो साथ में स्टडी मटेरियल भी पढ़ो। हो सकता है वहां कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मिल जाए आपको, क्योंकि लॉ की कोई लिमिट थोड़ी है, बहुत चीजें हैं उसमें। तो हमने वो सब कवर कर लिया है जैसे 95% कवरेज हो जाए, 5% चीजें छोड़ भी दिए जो कहीं भी मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए मेहनत बहुत है और फायदा कम। हाँ, मिनिमम पेडअप कैपिटल चाहिए भाई साहब प्राइवेट कंपनी के लिए। सर कितनी कितनी होनी चाहिए? एज मे बी प्रिस्क्राइब। नहीं नहीं सर, पर बताओ ना कितना प्रिस्क्राइब करा, प्लीज बताओ ना सर। नॉट येट, सरकार ने अभी कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं करा है। पुराने वाले एक्ट के रूल्स में प्रिस्क्राइब था, अब तो खैर वो एक्ट रिपील हो गया। रिपील मतलब खत्म हो गया। पुराने एक्ट में था प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 1,00,000 और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 5,00,000। अभी कुछ भी नहीं है ऐसा, तो बस एज मे बी प्रिस्क्राइब लिखो और छोड़ो। दूसरी कंडीशन, आपकी कंपनी प्राइवेट है तो यार इसमें शेयर ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन लगाने की जरूरत तो नहीं है, पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत, लिमिटेशंस लगाने की जरूरत है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन। इस रूम में एंट्री प्रोहिबिटेड है तो कोई भी नहीं आ पाएगा इसमें। दरवाजों के ऊपर कील ठोंक दो, ये दरवाजे हटा के यहां भी दीवारी बना दो, ये प्रोहिबिशन है। लेकिन ओनली रजिस्टर्ड स्टूडेंट कैन एंटर दिस क्लासरूम, दैट दिस इज रेस्ट्रिक्शन। हर कोई नहीं आ सकता है। अगर आप इस बैच में रजिस्टर्ड हैं तो ही इस रूम में आप आ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। ओके, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन तो नहीं है, बट उसको लिमिट करना, रेस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। जितनी भी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में, न केवल वो कंडीशंस मानना है बल्कि वो सारी कंडीशन लिखना भी है। कहां लिखना है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेटा अक्सर ये लिखा हुआ होता है कि शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या और कुछ लगा दो, ओनली फीमेल्स कैन बिकम शेयर होल्डर, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बिकम शेयर होल्डर, या कुछ भी, ओनली सीनियर सिटीजन्स कैन बिकम शेयर होल्डर, ऐसा लिख दो, या फिर लिख दो कि जैसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे मैं शेयर होल्डर हूं प्राइवेट कंपनी का, मैं अपने शेयर आपको बेचना चाहता हूं, तो ऐसा थोड़ी बेच सकता, गिने चुने लोग हैं यार, मैं हट जाऊं दूसरा आने लग जाए, ऐसे कैसे? बाकी लोगों के साथ उसका तालमेल भी तो बैठना चाहिए जो मेरी जगह आ रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्लाई करो कि तरुण महाजन वांट्स टू सेल हिज शेयर्स टू मनीषा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा कि क्या मनीषा इज गुड इनफ टू बी एडमिटेड एज ए मेंबर, एंड इफ दे फाइंड कि नहीं नहीं ठीक है, लेट हर कम, ट्रांसफर कर देंगे शेयर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई किसी को भी बेचो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मैं पढ़ा रहा हूं, कल को मेरी जगह कोई और आ जाए, मैं बोल जाऊं कि यार देखो मैं जा रहा हूं 15 दिन के लिए बाहर, तो मेरे ऑफिस में एक आर्टिकल है फाइनल में, वो पढ़ा देगा आके मेरी जगह पे। हाँ बोले नहीं, ऐसा थोड़ी होता है सर, पता नहीं, हम जानते नहीं हैं उनको, कैसे पढ़ाएंगे, आई कांट डू इट।
अपने आप को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता हूं अपनी जगह पर, ठीक है। तो और अगर करना हो तो आपकी परमिशन लगेगी कि ठीक है, एक दो दिन डेमो दिया, फिर आपको लगा हाँ ठीक है सर चलने दो, फिर भी कोई डाउट आएगा तो मैं आके सॉल्व कर दूंगा, तो परमिशन लेनी पड़ रही है। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर की क्या लगेगी? परमिशन। ज्यादा से ज्यादा कितने अलाउड है दैट यू नो ऑलरेडी? मैक्सिमम कितने अलाउड है प्राइवेट कंपनी मेंबर्स? 200। पहले ही लिमिट 50 हुआ करती थी पुराने एक्ट में, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 200। वेरी नाइस। प्रैक्टिकली यार ये 200 की लिमिट यूज हो नहीं पाती है, मतलब कम से कम 95% प्राइवेट कंपनियां तो देश में ऐसी है जिसमें 5-7 से ज्यादा मेंबर ही नहीं है, मोस्ट में तो मोस्टली तो दो ही हैं। बेकार 200 की लिमिट दे रखी है, पर ठीक है दे रखी है तो दे रखी है। पर सर क्यों 200, 2 लाख क्यों नहीं? प्राइवेट प्राइवेट है तो उसमें इतने लोग क्यों अकोमोडेट करने देंगे? उसमें भी छूट, 200 लिमिट अपने आप में बहुत ज्यादा थी, उसमें भी और बोलना चाहिए एग्जम्पशंस दे दी है कि अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो दे विल बी काउंटेड एज वन। मान लो कि 3 लोग मिल गए, भविष्य, सम्यक और मनीषा, इन 3 लोगों ने मिलकर के कंपनी के शेयर खरीद लिए जॉइंट होल्डर्स की तरह, एक शेयर सर्टिफिकेट पे 3 का नाम लिखा है, इसको बोलते हैं जॉइंट होल्डर, मिलके खरीदे। तो अगर जॉइंट होल्डिंग है तो जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज वन। 3 लोगों ने मिलके लिए, चाहे 2 लोगों ने मिलके लिए, इस 200 के पर्पस से, आई एम नॉट सेइंग पूरे कंपनीज एक्ट में हर जगह उनको 1 गिनेंगे, बट इस 200 के पर्पस से उनको कितना गिना जाएगा? 1। अगर कोई बंदा कंपनी का एम्प्लॉय भी है और साथ साथ में मेंबर भी है, उसको नहीं काउंट करेंगे। अक्सर ही कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए कंपनी के शेयर्स दे देती है। ईसॉप सुना होगा ना आपने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, या स्वेट इक्विटी शेयर्स, मुफ्त में सस्ते में शेयर दे देते हैं, सैलरी के ऊपर से और शेयर भी दे देते हैं। इसमें सबका फायदा है, कंपनी को कैश सैलरी नहीं देनी पड़ रही है, मतलब कम देनी पड़ रही है, और शेयर देने पड़ रहे हैं, और एम्प्लॉय के पास जब शेयर आ गए कंपनी के, तो यार वो कंपनी का नौकर नहीं रहा, वो कंपनी का मालिक बन गया। और मालिक के काम करने का स्टाइल अलग होता है, वो 9 से 5 घड़ी देख के काम नहीं करता है, उसको तो रिजल्ट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, आउटपुट चाहिए, दिल लगा के काम करेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की फ्रिक्शन कम होंगे, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मधुर संबंधों में भारत सरकार अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहती, इसलिए बोल दिया एम्प्लॉय तो 5,000 हो तेरे, दे दे सबको शेयर, हम उनको काउंट नहीं करेंगे फॉर 200। सर हमने एम्प्लॉय को शेयर दिए, बाद में वो नौकरी छोड़ के चला गया, अब तो वो एम्प्लॉय रहा नहीं, अब तो आप उसको गिनने लग जाओगे, तो हम तो 200 की अच्छी खासी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। यार दिस इज नॉट डन, ना ना, एक्स एम्प्लॉय को भी यहां पर काउंट नहीं किया जाता फॉर 200। अगली कंडीशन रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इज प्रोहिबिटेड। यार प्राइवेट कंपनी ना, तो आप अपने शेयर्स का पब्लिक इश्यू लेके नहीं आ सकते। पब्लिक इश्यू लाना मतलब पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट करना कि आओ और हमारे शेयर खरीदो। हाँ फाउंडेशन में पढ़ा था बेटा, आई नो, बट बीच बीच में ऐसी चीजें भी आएंगी जो नहीं पड़ी थी। आप कहो तो मैं स्किप कर देता हूं, 1023 से स्टार्ट कर लें।
22 तक तो फाउंडेशन में पढ़ ही लिया ना आपने, सेक्शन 22 तक, तो शिला स्टार्ट फ्रॉम 23। सम्यक को बहुत अच्छे से याद है, वो नहीं चाह रहा है कि आप पढ़ाओ। अगर एम्प्लॉय लीव करने के बाद शेयर मिले देन मेंबर। हाँ पलाश, एक्स एम्प्लॉय का मतलब ऐसा है कि जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब उसके पास शेयर थे, फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा पर शेयर रह गए, वैसा एक्स एम्प्लॉय। सर उसने नौकरी छोड़ दी, 3 साल निकल गए, फिर उसने कंपनी के शेयर बाजार से खरीद लिए, किसी और से ले लिया, नहीं नहीं फिर तो उसको हम काउंट करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चारों कंडीशन, मैंने प्लस साइन लगाया, चारों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए। इधर और नहीं है कि इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लो, यू विल हैव टू फुलफिल ऑल 4 कंडीशंस। चलो तो बताओ मुझे प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है। सबसे पहले विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच रेस्ट्रिक्ट्स व्हाट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स, डिबेंचर की बात नहीं कर रहे हैं, शेयर्स, एंड वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 200। But for counting 200, joint holders will be ignored? No, they'll be counted as one. Employee members will be not counted. Ex-employee members will be, and one more restriction, public issue of security is prohibited. Allowed ही नहीं है, restricted भी नहीं है, prohibited है. Sir, public company क्या होती है? Company which is not a private company. What is public company? Public company means a company which is not a private company. Public company means a company which is not a private company. तो सर मतलब क्या है आपका? अरे मतलब प्राइवेट कंपनी की 4 कंडीशन है ना, एक भी तोड़ दी, सिर्फ एक, तो आप प्राइवेट कंपनी नहीं रहोगे। सर बाकी सब ठीक है पर हमारे मेंबर 201 हो गए। अरे यार शिट, अब आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा थोड़ी है, प्राइवेट कंपनी नहीं हूं तो फिर अब मैं कौन हूं? पब्लिक कंपनी। एक भी कंडीशन तोड़ी तो, या फिर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। मान लो एक कंपनी है एच लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, और उसकी एक सब्सिडरी है एस प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे ही ये एस प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी इसकी पब्लिक कंपनी होगी तो ये एस प्राइवेट लिमिटेड भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। लेकिन एक शर्त और है, एंड विच एज ए मिनिमम बिल्ड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। वैसे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को डिस्टिंग्विश करने का एक सिंपल तरीका है, जिसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड लिखाओ वो प्राइवेट, और जिसके नाम में लिमिटेड लिखा हो वो पब्लिक। चलो बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, चेतक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इजी है, क्लासिफाई कर सकते हो आप। कोई एक नाम हमने बोला रुस्तम जी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट नाम से पता चल गया, प्राइवेट एक ही पब्लिक। और जिसके नाम में ना प्राइवेट लिमिटेड लगाओ ना पब्लिक लिमिटेड लगाओ, लिमिटेड लगाओ, जो फिर भी एक कंपनी हो, जरूर वो सेक्शन 8 कंपनी है। वो पढ़ेंगे हम आगे कि सेक्शन 8 कंपनी को नाम में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। वन पर्सन कंपनी,
ऑब्वियसली जिसमें सिर्फ एक ही शेयर होल्डर, मिनिमम कितने शेयर होल्डर और मैक्सिमम, मिनिमम भी वन मैक्सिमम भी वन। सर प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कंपनी होगी तो फिर प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी पब्लिक कंपनी होगी तो फिर कुछ नहीं होगा, प्राइवेट प्राइवेट ही रहेगी और पब्लिक पब्लिक ही रहेगी। ये बोल रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी जो है वो प्राइवेट है और सब्सिडरी कंपनी जो है वो पब्लिक है, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हाँ होल्डिंग कंपनी जो है वो प्राइवेट थी तो प्राइवेट ही रहेगी और सब्सिडरी कंपनी पब्लिक थी तो पब्लिक ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। वन पर्सन कंपनी बनाने में उसका जो इकलौता मेंबर होता है ही और शी मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन। मुझे एक बात बताओ, तो क्या बाकी कंपनियों में आर्टिफिशियल पर्सन मेंबर बन सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल कि एक पब्लिक कंपनी में 10 दूसरी कंपनियां मेंबर हैं? इज इट अलाउड? हो सकता है कि 7 पब्लिक कंपनियों ने मिलकर एक 8वीं पब्लिक कंपनी बना ली, इट्स फीजिबल। तो मतलब वैसे तो कंपनी में नेचुरल पर्सन भी मेंबर बन सकता है और दूसरी कंपनी भी मेंबर बन सकती है, ओपीसी में ऐसा अलाउड नहीं है। ऊपर से वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जबकि दूसरी कंपनियों में तो फॉरेन सिटीजन भी शेयर होल्डर बन सकते हैं, होते ही हैं, बल्कि कई बड़ी पब्लिक कंपनीज में। यहां सिर्फ इंडियन सिटीजन चाहिए, भारत कानूनों का देश है, सिटीजनशिप एक्ट है अपने यहां, उसकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ऊपर से ही शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो पिछले 20 साल से अमेरिका में रह रहा है, सिटीजन इंडिया का ही है, पासपोर्ट इंडिया का ही कैरी करता है, पर रहता अमेरिका में, वहीं सेटल्ड है, आता भी नहीं आजकल तो इंडिया, 3 साल हो गए। दो ही इज इंडियन सिटीजन, ही इज अ नेचुरल पर्सन, बट ही कैन नॉट फॉर्म वन पर्सन कंपनी, क्योंकि आपका रेसिडेंट होना जरूरी है। हालांकि एक्ट में लिखा है रेसिडेंट और नॉट, वो गलत लिखा है एक्ट में, रेसिडेंट होना जरूरी है, पर रेसिडेंट होने की डेफिनेशन यहां वो वाली नहीं लगेगी जो इनकम टैक्स में है, वो वाली भी नहीं लगेगी जो फेमा में है। यहां अपनी खुद की अलग डेफिनेशन है कि 120 डेज बंदा अगर इंडिया में रहा है तो कहेंगे कि ही इज रेसिडेंट इन इंडिया। सर वो जूम पे रहा है इंडिया में वर्चुअली नहीं, फिजिकली। ऊपर से वो अडल्ट होना चाहिए, माइनर ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। सुनो दूसरी कंपनियों में तो नॉन रेसिडेंट भी मेंबर हो सकते हैं और अगर कंपनी का आर्टिकल अलाउ करे तो माइनर भी मेंबर हो सकता है, बट ओपीसी में कुछ भी अलाउड नहीं है। बाकी कंपनियों में आर्टिफिशियल भी अलाउड है, फॉरेन सिटीजन भी अलाउड है, नॉन रेसिडेंट भी अलाउड है, माइनर भी अलाउड है, यहां नहीं अलाउड है। प्रियांशी पूछ रही है ओपीसी का एग्जाम्पल। हाँ मैं बताता हूं ना, कीर्ति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। हाँ हाँ सर, मैं नाम बोल दूंगा तुमको पता कैसे चलेगा? क्योंकि ओपीसी है तो ऑब्वियसली छोटी कंपनी है, तो पॉपुलर नहीं है, तो मेरे नाम बताने से क्या फायदा होगा प्रियांशी? हाँ सम्यक, वो पहले 182 डेज था, अब 120 है बेटा, तो पहले का मत याद रखो, कंफ्यूजन होगा, आप तो 120 है वो याद रखो। एक बंदा एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है, आप 20 पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद लो, 50 प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद लो, नो ऑब्जेक्शन। लेकिन जब ओपीसी की बात आती है तो यू कैन बिकम मेंबर ऑफ ओनली वन ओपीसी। सर मैंने 5 ओपीसी बनाई, नहीं बनाई नहीं सकते। आगे हम एक नॉमिनेशन की बात भी पढ़ेंगे, तो नॉमिनी भी आप सिर्फ एक ओपीसी में ही हो सकते हो,
आपने ओपीसी बनाई, आपने बोला अगर मैं मर जाऊं तो तरुण महाजन को शेयर होल्डर बना लो, दैट्स नॉमिनी। नॉमिनी भी आप एक ही ओपीसी में हो सकते हो, चार पांच ओपीसी के नॉमिनी नहीं हो सकते हो। पर्व बेटा ये अमेंडेड प्रोविजन ही पढ़ रहे हैं अपन, तो पहले क्या था वो याद करके कोई फायदा नहीं है। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक ओपीसी में मेंबर बन जाऊं और एक दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन जाऊं? हां उतना अलाउड है। दो के मेंबर नहीं हो सकते, दो के नॉमिनी नहीं हो सकते, पर एक के मेंबर एक के नॉमिनी हो सकते हैं। पर सर मान लो मैं जिसका नॉमिनी हूं वो मेंबर मर गया तो फिर तो मैं वहां भी मेंबर बन जाऊंगा। हाँ दैट्स द प्रॉब्लम। तो फिर 180 दिनों के अंदर चूज कर लो किस में रहना है और किसको छोड़ना है। सर आज की जनरेशन में कोई ओपीसी क्रिएट करता है? अरे प्रियांशी आज की जनरेशन में ही करता है। कंपनीज एक्ट 1956 में तो ओपीसी था ही नहीं, ये कंपनीज एक्ट 2013 था जो ओपीसी का प्रोविजन लाया है। कोई 8-10 हजार ओपीसी हैं देश में आज की तारीख में। क्या सर मैं एक प्राइवेट कंपनी और एक ओपीसी का मेंबर हो सकता हूं? हां हो सकते। आप मल्टीपल पब्लिक कंपनी के मेंबर हो, मल्टीपल प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो, प्लस एक ओपीसी के मेंबर हो, फाइन एब्सोल्युटली नो इश्यू। सर ओपीसी में दो नॉमिनी हो सकते हैं ना, एक ओपीसी में एक ही नॉमिनी होता है। आप भी दो ओपीसी के नॉमिनी नहीं बन सकते और एक ओपीसी में भी दो नॉमिनी नहीं हो सकते। और कुछ पूछिए। ठीक है जी, तो इतना आज के लिए काफी है, बाकी फिर कल देखते हैं। थैंक यू।